नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेसिक नीड जो घर में यूज होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है घंटी की। घंटी की प्रॉब्लम कैसे आती है दोस्तों, कि एक होती है वायर वाली, जिससे आप 24 आवर्स बिजली चलती रहती है, जिसमें मतलब बात करें बिजली का खर्चा तभी ज्यादा होता है तब इंसान ऑन दबाता है। लेकिन दूसरी होती है सेल वाली। सेल वाली में ये फायदा होता है कि दोनों सेंसर वाले होते हैं, कि उसमें आपको कहीं वायर कनेक्ट नहीं करनी होती। इसमें आप डायरेक्टली सेल डालें, और मतलब इसमें 3 सेल डलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम 3 सेलों का खर्चा, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने चलते हैं, 2 महीने के बाद आपको डालने पड़ते हैं सेल। 2 महीने के मतलब है कि 6 महीने में मैंने डूरा सेल डाल रखे हैं इसके अंदर। डूरा सेल जो है 18 रुपये 20 रुपये का पड़ता है, तो 20 रुपये का लगा लेते हैं 100, और 3 साल मतलब 3 साल का लगाते हैं, तो 360 रुपये होते हैं सेल का खर्चा। अब दिक्कत यह है कि कभी सेल ऐसे डाउन हो जाते हैं कि हफ्ते भर या महीने भर बदले ही नहीं जाते। अरे यार रह गए, इस बार रह गया, अगली बार ले आऊंगा। तो गाइस एक परमानेंट सोल्यूशन लेके आया है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें लगाया अडेप्टर। अभी मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस ये जियो का अडेप्टर है। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जियो का ही लगाएं, आप किसी का भी मतलब ऐसे मोबाइल का फास्ट चार्जिंग वाला 65 वाट का मतलब लगाइए, का ऐसे अडेप्टर लगाइए जो कि मतलब ये जो होगा मुश्किल से मतलब मोबाइल चार्ज करने के लिए वाट ज्यादा लेता है। अनदर बात करें, मुझे 24 आवर्स सप्लाई देनी है, तो 1.5 वाट हमारे लिए सफिशियंट है। तो यहाँ पे मैं इसे जो कि इसकी मतलब जो मतलब पॉइंट था, माइक्रो यूएसबी जो थी वो खराब हो गई थी, उस पे कुर्सी का पाँव रख गया तो चटक गई थी, तो इसलिए हमने इस अडेप्टर को यूज किया। आप किसी भी अडेप्टर को यूज कर सकते हैं, यूएसबी वाले को भी कर सकते हैं, आपके पास फालतू पड़ा है तो दोस्तों। और नहीं तो आपको 30 रुपए का मार्केट में ही मिल जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएंगे, कहेंगे 5 वाट का अडेप्टर दे दीजिए। 5 वाट कैसे, मतलब 5 बोल्ट का, वाट अलग हुए बोल्ट अलग हुआ। तो गाइस इनकी तीनों की कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूँ आपको। 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, और x3 मतलब आपको जो चाहिए 4.5 वोल्ट चाहिए मिनिमम, और यही मैं आपको आगे दिखाऊंगा हल्के से। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है, यहाँ पे लिखा आ रहा है 5 वोल्ट, तो मतलब यहाँ पे हम 0.5 वोल्ट एक्स्ट्रा दे भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे मैंने इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, क्योंकि पावर इतनी कम है कि मैं छू भी लूंगा तो करंट नहीं लगेगा। और यहाँ पे गाइस हमने जो है कनेक्शन पीछे बोर्ड से ही निकाल रखे हैं, जहाँ पे इसके सेल के कनेक्शन बोर्ड के अंदर जुड़ते हैं, तो वहीं से हमने कनेक्शन बाहर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, माइनस वाला माइनस में लगा देंगे, माइनस प्लस हमने देख लिया था उसी टाइम, तो यहाँ पे माइनस में लगा देंगे एंड प्लस वाला प्लस में लगा देंगे। तो दोस्तों अब इसमें पता है फायदा क्या होगा, अब ना मुझे इसमें मैंने कोई सेल नहीं डाल रखा है एक्चुअली, आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बिल्कुल साउंड बंद है। अब जो दबाऊंगा मैं सबसे हाईएस्ट साउंड बजेगी, तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब गाइस चलते हैं ट्यूटोरियल पे, मैं अब आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों हम जो यूज़ कर रहे हैं वो LYF मतलब जियो का है, जो कि मैंने बताया पिन ख़राब हो गई थी। यहाँ पे आप थोड़ी स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली कितने बोल्ट का है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है 5 बोल्ट का और 700 एम्पियर की है, और यहाँ पे मतलब एम्पियर मिनी वाले हैं ये, और यहाँ पे आपको देखेंगे तो 0.2 एम्पियर का एक्चुअली। तो यहाँ पे जो इसकी सप्लाई है वो इतनी एम्पियर की, मतलब बहुत कम वाट का है, जो कि मतलब चार्जिंग ज़्यादा नहीं लेता। और यहाँ पे 5 वोल्ट मैंने आपको बता ही दिया, बाकी इसके सीरियल नंबर है, बाकी कोई चीज़ खास है नहीं, छोटा सा प्रोडक्ट है और प्लस माइनस। अब इसे खोल लेते हैं कि खोलेंगे कैसे, तो वैसे तो डायरेक्टली खुल जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लास्टिक ले रहे हैं, क्योंकि हम कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इससे इसमें कोई मतलब यहाँ पे है एक स्क्रू, वही सोच रहे थे हम कुछ ना कुछ होगा, तो इस स्क्रू को खोलेंगे। मतलब ऐसी आपकी नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे कनेक्शन करने, ज़रूरी नहीं है सेम मॉडल ये हैवल्स की है, और आपके पास कोई और भी है तब भी चलेगी। तो यहाँ पे कोई स्क्रू दिख नहीं रहा कि मुझे लगे कि कोई स्क्रू है एक्चुअली। ओके यहाँ पे दोस्तों हम इसे
इस तरीके से ओपन करेंगे। तो जैसे कि आपको मैं कनेक्शन समझा दूं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो तार है, ये वाला मतलब ये रेड वाला जो तार है वो हमने इस सर्किट बोर्ड से जोड़ लिया है। यहाँ पे जो सेल वाले पॉइंट निकल रहे थे यहाँ पे प्लस है, तो प्लस से जोड़ लिया है, और माइनस वाला जो है ये हमने माइनस से जोड़ लिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, डायरेक्टली हमने सर्किट बोर्ड को भी नहीं छेड़ा, हमने डायरेक्टली सीधे सीधे कनेक्शन कर लिए हैं इसके। तो और यहाँ पे हमने क्या कोशिश की थी, एक कोशिश और की है कि हम इसे दो सेल से भी चला पाएँ, तो गाइस वो एक अलग मैटर है। तो हम दो सेल वाला नहीं, हम सिर्फ ये सिस्टम यूज़ करेंगे, और इसमें आपने समझ लिया तो अब इसमें कुछ है नहीं। तो इसे दोबारा से पैक कर देते हैं, पैक थोड़ा सा कनेक्शन करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली वायर जोड़ने की सोच रहा हूँ, तो वो भी बेस्ट रहेगा। या तो कैसे कैसे करें समझ में तो आ गया है एक्चुअली, तो क्योंकि गाइस मैं यहाँ से वायर निकालता हूँ, तो ऐसे ही करते हैं कि मेन वायर यहाँ पर डाल के साइड से निकाल लेंगे और एडजस्ट हो जाएगा, बाकी बात आगे वीडियो में करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये जो सेल के पीछे वाले कनेक्शन है, ये जो ऊपर से वायर आ रही है इसी में हमने डायरेक्टली जोड़ दिए। इसमें हमने करंट नहीं है, इसमें सिर्फ हम मतलब 0. बात की जाए 2 एम्पियर की 5 वोल्ट की सप्लाई ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सेल वाली जगह पे जो पीछे से वायर, ये वायर आ रही थी साइड से करके जहाँ पे सेल की, हमने कुछ बोर्ड वोर्ड में भी छेड़खानी नहीं की है डायरेक्टली, अभी आपने देखा ही था, तो वहां से हमने इसे खोला और खोल के अब यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ही फिट करना पड़ेगा, ये जो वायर जा रही है ये सीलिंग के अंदर जा रही है, मतलब स्लैब के अंदर जा रही है सीधे, तो स्लैब के बीच से निकाल के हमने एडेप्टर इधर फिट नहीं किया, एडेप्टर थोड़ा सा आगे फिट किया है, उसे भी अभी दिखाएंगे। तो इसे कैसे कैसे, तो कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि ऊपर ही, क्योंकि खोलना जरूरी था, खोलते नहीं तो प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे अब देखेंगे, तो यहाँ पे हमने पैक कर दिया इसे, तो ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन पीछे हमें एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो वेट इसका बहुत ज़्यादा हल्का होता है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने वायर यूज़ की है, बहुत ज़्यादा लोगों को होगा यार कौन सी मतलब प्रीमियम क्वालिटी वायर चाहिए, तो गाइस जो 2 रुपये मीटर पड़ती है मार्केट में, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कॉपर की हो तो 2 या 3 रुपये, थोड़ा सा महंगा हो गया आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो 2-3 रुपये। तो इसके बाद इसमें यहाँ पे हम कोई सेल नहीं डालेंगे और डायरेक्टली इसे पावर से आगे कनेक्ट करेंगे, तो इसके पीछे जो है हम ऐसे डायरेक्टली लगा लेंगे। अब चलते हैं बोर्ड वाले कनेक्शन में जहाँ पे एडेप्टर फिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कैमरा जो है थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे LYF का अडेप्टर यूज कर रहे हैं हम, और इसमें मेनली जो कटिंग वाला सीन है तो वायर को ज्यादा बड़ी है तो उसे थोड़ा सा काट लेना है पहले। तो हमने अपने हिसाब से जितने हम यूज करेंगे उस हिसाब से हमने इतनी काट ली है, इसे छील लेंगे थोड़ा सा, और जो इसमें से वायर निकलेंगी रेड एंड ब्लैक, तो जो मतलब मेरे सिर के पीछे आप देखेंगे पंखे के जस्ट ऊपर के साइड, मतलब वहां पे कैप आ गया, तो वहीं पे हमने अपनी ये घड़ी लगाई है। तो इस वायर में पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी एडेप्टर पीछे के साइड लगा रखा था, तो अब हमने चेंज कर दिया, एडेप्टर को हमने तोड़ा नहीं क्योंकि पहले हमने सर्किट प्लेट निकाल रखी थी, अब क्या करा हमने सीधे एडेप्टर जैसा है वैसे ही बस उसकी जो वायर है, क्योंकि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है करंट का, क्योंकि जो करंट जाना है वो 0.2 एम्पियर में जाना है 5 वोल्ट के अंदर, तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप कनेक्शन देखेंगे तो बहुत ज्यादा ही, इसलिए मतलब कुछ खास नहीं करना आपको, सिर्फ अपने हाथ से भी लगा देंगे क्योंकि इसमें करंट वाला जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने अब आप कहेंगे कि इतनी हाइट पे, तो आप नीचे करके भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं मतलब हिडन रखना चाहता हूँ अपने घर में इस वाले पार्ट को, इसलिए मैंने इसे स्लैब मतलब वॉल पे एक ढक्कन लगा रखा ऊपर के साइड, तो वहीं पे इसे पूरे को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो बड़ा अलग अलग सा लगेगा कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है। तो अब जो हमने ये तार कराए हैं तो हम टेप, अब टेप में हम अलग अलग तार भी जोड़ सकते हैं सेफ्टी पर्पज से, और एक में ही दोनों जोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टेप कम था तो मैंने हल्का सा मतलब टेप को यूज करके काम ले लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों वायर को, पहले एक वायर को, ऐसा नहीं है कि साथ में मिला देना है, पहले एक वायर पे टेप अराउंड घुमा देना है और फिर दूसरी वायर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाली से करंट का कोई खतरा नहीं होता। अब हम दूसरी वाली को जो है डायरेक्टली टेप से चिपका देंगे। अब एडेप्टर के कनेक्शन समझते हैं कि एडेप्टर के कनेक्शन कैसे करेंगे हम इसमें। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, तो इसके पीछे कोई वायर नहीं है, लेकिन एडेप्टर हम इसमें लगाएंगे और ये टेम्परेरी वाले हैं। तो यहाँ पे आप इसके पीछे देखेंगे तो पिन है, और ये जो तो दोस्तों देखेंगे पीछे से पिन वाला स्विच था, और इस तरीके से हमने एडेप्टर को कनेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं सीधे साउंड पे।
तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमने वहाँ से वायर खींची क्योंकि सीधे सीधे पाइप से डली भी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो होल पे, तो यहाँ पे मतलब ऊपर से हमने वायर खींची तो वो घड़ी जो घंटी है वो ऑटोमेटिकली ऊपर खींच गई। तो सामने ही बोर्ड हमने फिट किया है और इसे पीछे जो दोनों साइड चिपकने वाला टेप है यहाँ पे, तो मतलब इसे हमने स्लैब पे, और इसकी साउंड सुनिए। तो जो बोर्ड खुला हुआ था हमने इस तरीके से कवर करके उसे बंद कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा और आपने इंस्टॉलेशन भी देखा, तो गाइस मैंने ये पहले ही बना ली थी वीडियो। तो इंस्टॉलेशन में मैंने आपको बोर्ड कनेक्शन समझाया, सब कुछ समझाया कैसे कैसे करने हैं। बाकी गाइस कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।